मैं घोष से लड़ता नहीं हूँ, उन्हें खा जाता हूँ। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुए, आज तीसरा दिन चल रहा है और आज भी जबरदस्त तरीके से जो ये ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है भाई, आई थिंक नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है अभी भी स्टिल। और इस ट्रेलर ने अभी तक तो बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दी जो इस साल आई है। भाई जवान के ट्रेलर ने इतने जल्दी में व्यूज गेन नहीं करे थे, उसके बाद टाइगर 3 का ट्रेलर आया, उसने भी व्यूज गेन नहीं करे थे। लियो मूवी का ट्रेलर भाई तीसरे दिन में ही इतना ज़्यादा व्यूज गेन तो नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन एनिमल ने भाई फाड़ के रखा है। सभी चीज़ों पर बात करेंगे। एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, नॉट इन अ प्रॉपर वे, फ्लेक्सिबली ओपन हुई है कुछ एक जगह पर, जहां पर विद इन आवर सीट फुल होते नजर आ रही है। कितना कलेक्शन एडवांस से हो चुका है इन इंडियन रीजन, इन ओवरसीज रीजन, जो भी होगा सब एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात एनिमल के ट्रेलर की करते हैं, जहां से इस ट्रेलर ने अभी तक व्यूज गेन कर लिए हैं 5.67 मिलियन प्लस के आसपास। और ये व्यूज जब आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि ये 6 मिलियन भी हो जाएगा जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हाईली ट्रेंड कर रहा है, जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। और एक ही बार नहीं देख रहे हैं लोग इसको, 3 से 4 बार, मैं अपना बताऊं 10 से 12 बार देख चुका हूं भाई। सॉलिड ऐसा, मतलब वायलेंस देखने को नहीं मिला यार कोई भी मूवी में, विदाउट फिल्टर, ए रेटिंग्स की मूवी है, सभी को मालूम है, खोल के प्यार दे रहे हैं, दिल से प्यार दे रहे हैं। वेट था, लोगों को बहुत वेट था इस मूवी के लिए, क्योंकि रणबीर कपूर का ऐसा कमबैक यार, आई थी मूवी रणबीर कपूर की, लेकिन इस अवतार में नहीं देखा था उस बंदे को, चॉकलेटी बॉय टाइप में देखे थे। लेकिन जो ये फाड़ रहा है ना, जो वॉयलेंस जो देखने को मिल रहा है, मास में जो आया है इस बार, फाड़ के आया है। तो लाइक्स कितने मिल चुके हैं इस ट्रेलर को, 1.1 मिलियन के आसपास लाइक्स मिल चुके हैं। एनिमल ट्रेलर में जो सॉन्ग सुना होगा आपने, सारी दुनिया जला देंगे, वो इतना प्यारा वाइब दे रहा था उसमें, उसकी ऑडियो लीक कर दी है, मतलब रिलीज कर दी है टी सीरीज वालों ने। जो वीडियो सॉन्ग इस पे होगा वो भी रिवील नहीं किया है, शायद वांगा साहब बचा के रख रहे हों, क्योंकि कुछ ही दिन बचे, 4-5 दिन बाद मूवी रिलीज हो जाएगी 1 दिसंबर को। और बहुत कुछ मतलब जबरदस्त हाइप सेट कर ही दिया है। अब ये अपनी मूवी से रिलेटेड और भी ज़्यादा कॉन्टेंट रिवील नहीं करना चाहते हैं, जितना उन्होंने कर दिया वो काफ़ी है, इनफ है इतना कि भाई मूवी में बहुत कुछ मिलने वाला है इसके हिसाब से, और वाकई मिलने वाला है। एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है आफ्टर ट्रेलर, ट्रेलर का जैसा रेस्पॉन्स था, ए फिल्म जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक्टिव हो चुके हैं। हैदराबाद में फर्स्ट रेस्पॉन्स देखने को मिला, हैदराबाद से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी देखने को मिला है। अभी तक 2100 प्लस के ऊपर टिकट इन्होंने भेज दिए हैं, आसपास 2100 ही है या फिर 2150 हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो। और उसके बाद सुबह जल्द ही शो चलाने की मांग कराई जा रही है 7 बजे से, हालांकि कुछ एक थिएटर में चल जाने हैं 7, 7:15, 7:30, 7:45 ऐसी टाइमिंग है। लेकिन अर्ली जो टाइमिंग है फर्स्ट डे की, 1 दिसंबर को जब ये मूवी रिलीज होगी तो 7 बजे के आसपास हैदराबाद में मूवी चल जानी है। इससे भी ऊपर अगर वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिला, फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो हो सकता है ये टाइमिंग 6 बजे या 6:30 बजे हो जाएगी, क्योंकि साउथ को भी अच्छा खासा टारगेट करा जा रहा है, बहुत अच्छा मतलब बॉक्स ऑफिस में फाड़ने वाली है। और उसके हिसाब से भाई इन्हें हर एक रीजन को कवरअप करना पड़ेगा। हिंदी में फुल रिस्पॉन्स मिलने वाला है नो डाउट, लेकिन साउथ को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको 1000 करोड़ ले जाना है इस मूवी को, तो 1000 भी नहीं, 600 या 700 करोड़ ले जाना है तब भी। दूसरा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी फ्लेक्सिबली अभी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसमें से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला कल हुई है, और कल होने के बाद भी 12000 प्लस के आसपास इनके पास कलेक्शन आ चुका है, 12000 रुपए के आसपास इन्होंने कलेक्ट कर लिया है टिकट सोल्ड आउट करके अभी एक दिन में। तो अभी लगातार बुकिंग चलनी है, अभी कुछ एक बड़े बड़े सिटीज़ में, मुंबई दिल्ली में भी अच्छी तरीके से डेटा जाने लग जाएंगे, वहाँ पर भी फ्लेक्सिबली अब ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक आध दिन में प्रॉपर, मतलब कल या परसों से प्रॉपर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो भाई ए फिल्म्स वालों की भाई बल्ले बल्ले होने वाली है, पैसा ही पैसा होने वाला है इनके पास, क्यों एनिमल से जो ये ब्रांडिंग सेट करेंगे, देन उसके बाद सालार, नॉर्थ इंडिया में सालार के डिस्ट्रीब्यूटर भी ए फिल्म्स वाले ही हैं। तो एनिमल से जो ये ब्रांडिंग सेट कर देंगे, ट्रस्ट जीत लेंगे पब्लिक का कि भाई कि जब एनिमल मूवी इतना खतरनाक कॉन्टेंट ला सकती है तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, पब्लिक सोचे कि भाई ए फिल्म्स ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, तो हो सकता है सालार भी कुछ दमदार हो। तो ये फैमिलियरिटी, ये बॉन्ड वहाँ से एक ट्रस्ट बॉन्ड बन जाएगा, तो भाई सालार भी फाड़ने वाली है। बात करते हैं कि ओवरसीज का क्या हाल है, भाई ओवरसीज में भी जबरदस्त देखने को मिल रही है,
फर्स्ट डे बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ओवरसीज से अभी प्रॉपरली एक रीजन से नहीं आया है कलेक्शन का डेटा क्लियर। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा, इन सबको मिलाकर लगभग में लगभग 3 लाख यूएस डॉलर के आसपास इन्होंने एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ओवरसीज से कितना आ सकता है भाई? जिस हिसाब से अभी देखा जाए 5-6 दिन पहले ही लगभग अगर हम इंडियन रुपीज़ में काउंट करें इसको तो 3.25 लाख या फिर 2.5 करोड़ से तो ऊपर का ही कलेक्शन जाते दिख रहा है। तो हो सकता है फर्स्ट डे 20 करोड़ के अराउंड हमें देखने को मिल जाएगा ओवरसीज से। एंड नेट इंडिया, इंडिया से कितना आ सकता है? मे बी 45 से 50 करोड़ के आसपास ये नेट इंडिया से करने ही करने वाली है, क्योंकि बहुत फार लेवल की हाइप सेट कर दी है इन्होंने। देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से मूवी फर्स्ट डे कितना कर सकती है वर्ल्ड वाइड, ओवरसीज एंड नेट इंडियन कलेक्शन दोनों को मिलाकर बोला जाए तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 65 से 70 करोड़ के आसपास। आपका क्या हिसाब है नीचे कमेंट जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाहे